सेल के जिला अध्यक्ष जो हमारे हैं यहाँ के युवा प्रमुख मंजू पांडे, उनको मैं दरख्वास्त करता हूँ को इनको हमारे मेरे मतदार संघ के चार वार्डों का उनको युवा प्रमुख करके घोषित कर दिया। हेमंत जी बिल्कुल बिल्कुल, दादाजी ने जो आज आशीर्वाद दिया हमारे उत्तर भारतीय समाज को, मैं दादा के बारे में इतना ही बोलूंगा, उत्तर मुंबई जिला के और खासतौर पर मागाटाली विधानसभा के कम से कम 60 से 70 हज़ार उत्तर भारतीय है और एकमात्र ऐसे नेता है जो उत्तर भारतीय आन बान शान के लिए पूरी तरह से खड़े होने वाले के उत्तर भारतीय नेता बहुत है, लेकिन पूरे उत्तर भारतीय समाज के लोगों के बीच में अगर प्रसिद्ध है पर्व है और पहला दिन है, इस शुभ अवसर पे पूरे समाज को इकट्ठा किए दादा, सब समाज को टच करते हैं, विशेष तो उत्तर भारतीय के, और 15 साल से शिवसेना में थे लेकिन पदाधिकारी भी थे, उन्होंने बताया अपने वक्तव्य में कि वो उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना में थे लेकिन आज उन्होंने देखा तो वहाँ कुछ है ही नहीं, और दादा ने जैसा बोला वो एकदम संक्षिप्त हो गई है अभी, और अभी जो बढ़ रहे एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में और हमारे खास तौर पे हमको प्रकाश दादा सूर्वे जैसा उत्तर भारतीय एक नेता मिला है जो हमारे फीलिंग को छूता है और हमारे दुख दर्द को टच करता है, ऐसे नेता के तो पूरा समाज आज खड़ा है, ये हमारी उपलब्धि और दादा के लिए हम कामना करते हैं। देखो दिन पे दिन एकनाथ शिंदे साहब की हमारी जो शिवसेना है बाला साहब ठाकरे की, वो दिन पे दिन आगे बढ़ते ही जा रही है, दिन पे दिन मजबूत होते ही जा रही है, और जो उधर की है उनको उद्धव ठाकरे उबाटा वो शिल्लक सेना के नाम से अभी गिनी जाती है, धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होते जा रहा है, इस कार्यकर्ताओं को एकनाथ शिंदे साहब जो काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हर तख्ते के इंसान के लिए काम कर रहे हैं, देख के सब काफ़ी लोग शिवसेना से हमारे साथ में, शिवसेना हो कांग्रेस हो यहाँ से हमारे साथ में जुड़ रहे, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। दादा इससे पहले भी लगभग 1000 देखो जिनका काम होता है, जिनके जो जो पेंडिंग काम है वो होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हमको इनके साथ जुड़ना चाहिए, खाली बोल बच्चन से राशन भाषण से राशन नहीं आता है, लोगों की सेवा करनी चाहिए, और हम लोग सब हमारे जो कार्यकर्ता है वो दिन रात सेवा करते हैं, आपने देखा हर गली गली में जाके देखो हमारे एक कार्यकर्ता काम कर रहा है और लोगों की सेवा कर रहा है, वो देख के लोग यहाँ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। शिंदे साहब महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रहे हैं, अभी महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया, क्या क्या नहीं उन्होंने किया है, एसटी में आरक्षण 50% दिया, ज्येष्ठ नागरिकों को आरक्षण दिया, ऐसी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि बोलते बोलते 1 घंटा जाएगा, ये सब काम देखते हुए ही लोग पार्टी के साथ जुड़ जाए। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, मैं शिवसेना में 97 से हूँ, आप शिवसेना में हूँ मैं, अब मैं एक निष्ठ हूँ मैं जो है, लेकिन अभी जो ये पर्यटन हुआ इसमें जो है क्या हुआ था सर, मेन बात की ये जो धनुष बाण है ये खो गया था मेरे पास, आज यही धनुष बाण हमको फिर वापस मिल गया, तो दादा जो है बात हुई थी हमारे बीच में, तो फिर हम सोच रहे थे कि क्या किया जाए इसमें, फिर जब सब जगह दादा हैं हर आदमी काम हो जा रहा है, मैं दूसरे के जाने अनजाने में भेज रहा हूँ सर के पास, सर को पता भी नहीं है कि मतलब मिश्रा जी भेज रहे हैं, लेकिन उनका काम होते जा रहा है, और हम अगर अदर जहाँ थे वहाँ पे सिर्फ ब्लैकमेल हो रहे थे, ब्लैकमेल होगा ना, इस ब्लैकमेल होने से अच्छा है सर कि हम जो है दादाजी के साथ में रहे, जहाँ हमारा काम हो रहा है सब कुछ हो रहा है, जितने घोर गरीब जहाँ देखिए आप वहीं पे बोर्ड लगा है इनका, तो सर जी हम इनके साथ में रहना चाहेंगे, उनके साथ में विधायक में भी थे सब कुछ थे, बीच में कुछ हुआ ठीक है हम अलग हो गए, लेकिन आज हम चाहते हैं कि हम फिर से अपने जगह पर आ गए जहाँ हम कहना था, हमको धनुष बाण फिर से मिल गया जो रियल शिवसेना का निशान है हमारा,
और ये धनुष को हम चाहते हैं कि हम इसको आगे लेके जाए और हम एक निष्ठ होकर काम करें जिसे हम कर रहे थे। और दादा से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ जितने भाई बंधु हैं उनको साथ में लेके चले, वैसे हमको भरोसा है कि साथ दादा तो अभी जाने जाने में लेके चल ही रहे थे। और दादा से और वादा करता हूँ, दादा आपके साथ में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, बशर्ते उनसे हम टच नहीं कर पा रहे थे। कल 9 बजे बात हुई मेरी मैडम के घर पर, उसके बाद जो है फिर हमारा जो है बातचीत हुआ सब कुछ जो है, उसके बाद 9 बजे के बाद इतने लोग आए आपके पास। और जबकि अभी कुछ लोग आ नहीं पाए, हम 9 बजे जबकि प्रोग्राम था हमारा शनिवार को रहता है, सिर्फ फ़ोन करके बेचारे इतने आए, बहुत देर से दादा को वेट किए। और हम आप लोगों से यह आग्रह करना चाहते हैं सर कि प्रकाश दादा आगे बढ़ें, हम उनके साथ में हैं, पहले भी थे आज भी हैं। देना चाहेंगे कांग्रेस से आप भी आके यहाँ पे शिवसेना वाला साहब ठाकरेगढ़ में प्रवेश किया सिद्धे साहब के नेतृत्व में। मैं दादा को भाई मानती हूँ और हमारे दादा दुख सुख में हमारे उत्तर भारतीयों का बहुत ही ध्यान रखते हैं। छोटी बड़ी जितनी भी बातें, हम छोटे छोटे बात भी लेके कभी कभी पहुंच जाते हैं और वो हमें कभी ना नहीं बोलते। उनका स्वभाव, उनका व्यवहार हमारे उत्तर भारतीयों के दिल में बसता है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रवेश की हूँ। मैं अपने लोगों के लिए दादा के साथ मिलके कुछ करना चाहती हूँ, अच्छा काम। और एकनाथ शिंदे जी हमारे बहुत अच्छे हैं, उनका भी बहुत नाम, रोज़ उनका भी देखती हूँ मोबाइल पे और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए मैं दादा से जुड़ी हूँ। मेरे लिए परम भगवान हमारे दादाजी हैं और हम इनको बहुत हृदय से मानती हूँ। ऐसा नेता मुश्किल से बनता है। जिंदाबाद हमारे गरीबों के नेता हैं, इसलिए हम इनको बहुत मान देते हैं।